स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है श्री बीएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है चैप्टर सेकंड से रिलेटेड, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर किसकी? फीमेल गैमेटोफाइट की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट क्या किया था, अपन ने बात की थी मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, और अपन ने मेगा स्पोरोजेनेसिस को बहुत बारीकी से समझा था। उसके अंदर अपन ने यह देखा था कि एक मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होने से, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होने से अपने पास क्या बना था, मेगा स्पोर टेट्राड। अपने पास बना था मेगा स्पोर टेट्राड, और उस मेगा स्पोर टेट्राड के अंदर क्या हो गई थी, तीन सेल तो डिजेनरेटेड हो गई थी और अपने पास एक बची थी फंक्शनल मेगा स्पोर के रूप में, और जो बची थी अपने पास चेलेजल एंड की ओर। कौन से एंड की ओर? चेलेजल एंड की ओर। अब ये चेलेजल एंड क्या था, मैंने आपको ओव्यूल के डायग्राम में बताया था, एक रीजन होता है माइक्रोपाइल रीजन और एक होता है चेलेजल रीजन। तो मान लो ये स्ट्रक्चर यहां पर है, तो इस रीजन की ओर जो सेल थी वो एज ए फंक्शनल मेगा स्पोर का क्या करेगी, काम करेगी। अब देखो, एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी साइज गेन करता है, इलोंगेट होता है। क्या करेगा वो? साइज गेन करेगा, इलोंगेशन होगा, तो ऑब्वियसली इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, मेच्योर स्ट्रक्चर बना ली, और ये फर्स्ट सेल हो गई, ये फर्स्ट सेल हो गई फीमेल गैमेटोफाइट की। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ सेल प्ले एज ए फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर किसका काम करेगी, एक फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का। ये फीमेल गैमेटोफाइट की क्या हो गई, फर्स्ट सेल हो गई। अब क्या होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है किसका, मियोसिस का। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, एक बार जब मियोसिस हो जाता है तो उसके बाद में कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्योंकि उसके बाद में मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस पहला, जिसको अपन ने बोल दिया माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। माइटोटिक डिवीजन जैसे ही होगा, इसका जो ये न्यूक्लियस है वो क्या होगा, थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा, इलोंगेट होगा, और स्पिंडल फाइबर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसके न्यूक्लियस का डिवाइड होने को अपन ने क्या बोल दिया, कैरियोकाइनेसिस। जब भी इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस प्रोसेस की खास बात यह होगी कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, अपने पास डिवीजन होने से दो न्यूक्लियस बन गए। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल की ओर क्यों गए, पोल अपन ने कौन सा बोला, एक पोल अपन क्या बोलेंगे, चेलेजल पोल, और एक को बोलेंगे हम माइक्रोपाइल पोल। माइक्रोपाइल पोल का मतलब माइक्रोपाइल एंड की ओर जो है, और चेलेजल पोल का मतलब जो चेलेजल एंड की ओर है। ये चेलेजल एंड माइक्रोपाइल एंड मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। ठीक है, तो बीच में क्या बन जाएगी, इनके एक वेक्यूल बन जाएगी। वेक्यूल के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों अलग अलग पोल की ओर चले जाएंगे। ठीक है, बनते तो पहले सेंटर में है, लेकिन दोनों के बीच में वेक्यूल आ जाती है, और वेक्यूल के पास आपको पता है फूड कंटेंट कलेक्ट होता रहता है। फूड कंटेंट जैसे जैसे कलेक्ट होगा, इसकी साइज बढ़ेगी, तो ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई बने हैं, डॉटर न्यूक्लियाई जिसको हम बोल सकते हैं, दो बने, दोनों के दोनों डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग पोल के ऊपर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, इनके अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन सेकेंड। माइटोटिक डिवीजन सेकेंड, माइटोटिक डिवीजन जब हुआ इसके अंदर, तो एक न्यूक्लियस इस साइड था, एक न्यूक्लियस इस साइड, इसके अंदर वापस से डिवीजन हुआ, हम बोल सकते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने से अपने पास कितने न्यूक्लियस आ गए, चार। तो फोर न्यूक्लियाई स्टेज अपने पास यहां पर मिल गई, फोर न्यूक्लियाई स्टेज हो गई, और बीच के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर ये हो गई वेक्यूल। ठीक है, फिर होगा वापस से माइटोटिक डिवीजन थर्ड। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन डिवीजन ये हो गया थर्ड। तो कितने डिवीजन हो गए, तीन डिवीजन हो गए, एक तो यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, और एक यहां पर। तो ये वापस से जब माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये जो दो न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियाई थे अपने पास,
अलग अलग पोल के ऊपर, इन दोनों पोल के ऊपर प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई है उनके अंदर वापस से कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस होने से अपने पास कौन सी स्टेज आ गई, फोर न्यूक्लियाई स्टेज, फोर डॉटर न्यूक्लियाई स्टेज आ गई ऑन ईच पोल। हर पोल के ऊपर अपने पास क्या आ गए, चार डॉटर न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है, अभी होगा क्या, इसमें से चार डॉटर न्यूक्लियाई क्या करें, फ्री मूवमेंट करें, इसके अंदर फ्री मूवमेंट करें, बीच के अंदर ऑब्वियसली क्या होगी, यहां पर क्या होगी, ये वैक्यूल होगी। फ्री मूवमेंट करें इसका मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर मूवमेंट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कोई वॉल नहीं बन रही है। वॉल बनने का मतलब ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, आराम से मूव करें, इसलिए जो डेवलपमेंट दिख रहा है यहां तक आपको ये फ्री न्यूक्लियर मूवमेंट हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, अगले वाले डायग्राम में आपको जो दिख रही है स्ट्रक्चर, ये है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हमने क्या बोल दिया, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये कैसे बना, इन दोनों पोल के ऊपर प्रेजेंट जो एक न्यूक्लियाई है वो कहां से कहां पर आ गया, सेंटर के अंदर, मतलब एक तो आ गया इस पोल से सेंटर की ओर और एक आ गया इस पोल से सेंटर की ओर। चूंकि ये दोनों पोल से हैं इसलिए अपन ने इनको क्या बोल दिया, टू पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोल दिया अपन ने, टू पोलर न्यूक्लियाई। समझ में ये बात, जब यहां से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ गया तो ऑब्वियसली यहां पर कितने बच गए, तीन न्यूक्लियाई बच गए। उसके बाद में इनके अंदर वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहां पर ये तीन सेल बना लेंगे, ये तीन सेल बन गई। अब देखते हैं इसके मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, पहले इसके अंदर मैंने यहां पर कुछ टर्म इंक्लूड कर रखी है उसके बारे में बात करते हैं। पहली टर्म है एम्ब्रियोसेक, देखो एम्ब्रियोसेक का मतलब एक ऐसा पाउच जिसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर यही समझ में आ रहा है कि एम्ब्रियोसेक का मतलब एक ऐसा पाउच या ऐसा थैला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का क्या हो, फॉर्मेशन हो, और एम्ब्रियो का क्या हो, डेवलपमेंट। इसका मतलब एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो को बेयर करे, हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आती है, वो आती है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। इसको अपने सेवन सेल्ड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर देखो कितनी सेल है, एक दो तीन तो इधर हो गई चैलेंजर एंड की ओर, तीन सेल हो गई किधर, एक दो तीन, ये हो गई किधर, माइक्रोपाइल एंड की ओर, तीन और तीन कितनी हो गई, छह। और सेंटर के अंदर ये आपको जो लार्ज सेल दिख रही है, ये लार्ज सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो जिसको बियर कर रही है, ये सेल हो गई एक सेल, तो टोटल कितनी हो गई, सेवन सेल। एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, आठ, एक दो तीन चार पांच छह, और सेंटर के अंदर जो ये सेल है इसके पास दो न्यूक्लियाई हैं, इसलिए अपन ने बोल दिया एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, इसको अपन ने बोल दिया सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो टर्म है वो लिख रखा है मैंने यहां पर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म अप्रोक्सीमेटली 80% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर डिविजन करता है, और इस डिविजन होने से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो जब एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर डिविजन करके, माइटोटिक डिविजन करके फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट को जब बनाए, तो हम उस तरीके के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये बाइस्पोरिक भी होता है और ट्राइस्पोरिक भी होता है। ठीक है, एक होता है पॉलीगोन ऑफ टाइप ऑफ एम्ब्रियोसिक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, एक प्लांट जिसका नाम था पॉलीगोनम, उस प्लांट के अंदर उसने ऐसा देखा कि सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए उसने इसका नाम दे दिया पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है आपने इसको नाम बोला है फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है आप सभी को पता है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। गैमेटोफाइट क्या होता है, प्लांट की जनरेशन की हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल क्या है, हैप्लोइड है। ये तीन ऊपर वाली सेल हैप्लोइड है, तीन नीचे वाली सेल क्या है, हैप्लोइड है, लेकिन ये वाली सेल क्या है, डिप्लोइड है। ठीक है, अब इनके नाम देखते हैं सभी के किस तरीके से हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें इसके ऊपर से, यहां से पहला जो चैलेंजर एंड दिख रहा आपको, इस चैलेंजर एंड के ऊपर कितनी सेल है, तीन सेल, इनका नाम हो गया एंटीपोडल सेल। नाम क्या है इनका, एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल कौन सी डायरेक्शन में होगी, चैलेंजर एंड, मतलब इस डायरेक्शन में कौन सी सेल होगी, एंटीपोडल सेल। इनके पास भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ठीक है, और स्मॉल इसके पास क्या है, वैक्यूल।
ठीक है। इन सेल के पास क्या नहीं है, वॉल नहीं है, सेल वॉल क्या है इसके पास, अब्सेंट है। इनका फंक्शन क्या हो गया फिर, इनका फंक्शन यही होता है जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो को ये क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन दो सेल की, इस एक सेल की जिसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई। इन दोनों न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पोलर रीजन से या पोलर डायरेक्शन से सेंटर में आते हैं, ठीक है। आगे हम क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल सेल, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर सेंट्रल सेल। तो ये पूरी आपको एंटायर जो दिख रही है ये सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल एक फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक एम्ब्रियो सेक की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर आप ये वेक्यूल देख सकते हो आराम से, लार्ज वेक्यूल दिख रही है इसके अंदर। ये हो गई सेंट्रल सेल, दो क्या हो गए इसके अंदर, फ्री न्यूक्लियाई। ये दोनों फ्री न्यूक्लियाई कब फ्यूज होते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं जब ये पोलन ट्यूब क्या कर जाती है, अंदर आ जाती है। पोलन ट्यूब आप सभी को पता है, एक स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जब मैं जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन, तो पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जैसे एंट्री करेगी ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये एक सिंगल एक ऐसी स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो डिप्लोइड है, बाकी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या मिलेंगी, हैप्लोइड। अब हम बात करते हैं नीचे की ओर प्रेजेंट सेल के बारे में। यहाँ पर आपको तीन सेल दिख रही हैं, इसमें से जो नीचे वाली दो सेल है इनका नाम होता है सिनर्जिड, और ऊपर वाली जो एक सेल दिख रही है उसको हम बोलते हैं एग सेल। एग सेल और सिनर्जिड को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। तो एग अपरेटस के अंदर कितनी सेल हो गई फिर, तीन सेल हो गई। एक्चुअली जो ये एग सेल है उसको कवरअप किए रहती है कौन सी सेल, ये सिनर्जिड वाली सेल, ठीक है। दिख क्या रहा आपको, ये सिनर्जिड की सेल क्या है, लार्ज है, और इसके अंदर आपको ये देखो वेक्यूल भी दिख रही है। तो सिनर्जिड की सेल क्या हो गई, वेक्यूलेटेड, वेक्यूलेटेड है। इसके पास साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़िया है, साथ ही साथ ये क्या करती है कि लेटरली कवर करती है किसको, एग सेल को। एग सेल को ये क्या कर लेती है, लेटरली कवर कर लेती है, और एग सेल के साथ ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट रहती है। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्योंकि देखो एग सेल जो होती है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है, आपको पता है वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के नंबर बहुत कम होते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं होता, एनर्जी प्रॉपर बनती नहीं, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म होता है वो इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिविटी के लिए, इसको नरिशमेंट के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, सिनर्जिड सेल के ऊपर। अगर इन सिनर्जिड सेल को हिंदी में बोले तो इनका नाम ही होता है सहायक सेल। तो ये किसकी सहायता करती है, एग सेल की, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, क्योंकि आगे चल के यही एग सेल एक मेल गैमेट के साथ बाइंड होकर किसको बनाती है, जाइगोट को। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके इंपॉर्टेंट रोल के लिए इसके सहभागी का काम कौन करता है, ये सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड सेल है इसके दो रीजन हो गए देखो, एक तो ऊपर वाला रीजन ये है, इस रीजन को अपने बोल दिया चैलेजल साइड रीजन, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, ये हो गया माइक्रोपाइल रीजन। मतलब यहाँ पर भी देखो तो नीचे वाली डायरेक्शन हो गई माइक्रोपाइल, और ऊपर वाला इसका रीजन हो गया चैलेजल रीजन। ऊपर वाले रीजन के ऊपर सेल वॉल अब्सेंट होती है, और नीचे वाले रीजन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके नीचे वाले माइक्रोपाइल एंड की ओर कुछ स्पेशल एपरेटस होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, उसका नाम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस एक्चुअली क्या है, एक माइक्रोफाइब्रिल है, हर अपरेटस के अंदर क्या एक माइक्रोफाइब्रिल है, वो किससे कवर है, एक सीथ से कवर है, माइक्रोफाइब्रिल और सीथ से कवर है। ये स्पेशल जो कंडीशन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको नीचे की ओर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो जो न्यूट्रिएंट कंटेंट इस पूरी की पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किसकी वजह से है, इसकी वजह से, जिसका नाम है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो जो इसका कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका हो गया, इस फिलीफॉर्म अपरेटस का। दूसरी बात की फिलीफॉर्म अपरेटस इस सेंट्रल सेल के साथ जुड़ा रहता है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। मतलब ये क्या करता है, पूरा का पूरा फिलीफॉर्म अपरेटस इसके अंदर पहुंच जाता है, किसी के अंदर, इस सेंट्रल सेल के अंदर, जिससे क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी क्या करता है, इन सेंट्रल सेल के लिए करता है। एक इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को इस माइक्रोपाइल रीजन से अंदर आने के लिए,
आप सभी को पता है पोलन ट्यूब क्या करती है, अंदर आती है माइक्रोपाल रीजन के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम किसका होता है, इस फिलीफॉर्म ऑपरेटस का। ठीक है, अब देखो ये सहायक सेल्स जो दिख रही हैं आपको, सिनर्जिड सेल दिख रही हैं, इसमें से एक सेल तो पोलन ट्यूब की एंट्री करने से पहले खत्म हो जाती है और दूसरी जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री करने के बाद में खत्म हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस कंडीशन में देखो आपको मैं एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं यहां पर, और वो है सिनर्जिड सेल और एग सेल के लिए इससे रिलेटेड। देखो सिनर्जिड सेल जो दिख रही है आपको, इसके पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो इसके पास वेक्यूल और एक आपको इसका दिख रहा है न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइल एंड का, और वेक्यूल कौन से एंड की होती है, इसके पास होती है चेलेजल एंड की। न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइल एंड का और वेक्यूल कहां की होती है, चेलेजल एंड की। जबकि एग सेल के अंदर जस्ट अपोजिट होता है, एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो तो होता है चेलेजल एंड का, और जो इसके अंदर वेक्यूल रहती है, जो वेक्यूल रहती है वो कौन सी डायरेक्शन की रहती है, माइक्रोपाइल एंड। इस तरीके से अपन एक स्ट्रक्चर देखी जिसका नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी हर एक सेल को अपन ने समझा और हर एक सेल आगे की जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब इसके अंदर मेल गैमेट आता है तब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग सेल के साथ बाइंड होकर बनता है जायगोट, इसके साथ जैसे ही बाइंड करता है मेल गैमेट क्या बनाता है, एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म, जो हम आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर उसकी बात करेंगे। तो आप क्या बता सकते हो कि एक जो एंटायर स्ट्रक्चर है किसकी, ओव्यूल की, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये स्ट्रक्चर बता दी जिसको आपने बोला फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर देखो दो जनरेशन आ गई, एक तो आ गई स्पोरोफाइटिक जनरेशन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे रिलेटेड, ओव्यूल से रिलेटेड। बिफोर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक तो इसके बहुत सारे पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोफाइट को और एक इसका यह पोर्शन रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को, समझ गए आप। उसके बाद में देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बन जाता है, और जायगोट आप सभी को पता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ये तीन जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक तो इसके बहुत सारे पोर्शन हो गए वो तो स्पोरोफाइटिक, ये रीजन हो गए इसको, इसके मोस्ट ऑफ द पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गैमेटोफाइट को, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जायगोट बना वो क्या कर रहा है, वापस से स्पोरोफाइट को। तो कितनी जनरेशन आ गई, तीन जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड, एक ओव्यूल से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।